इधर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित तीन मांगों से संबंधित याचिका पर आज कोर्ट का आदेश आ गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने किरण सिंह की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अब इस पर सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। इस मामले में बीते 15 अक्टूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी, तभी से आदेश में पत्रावली लंबित थी। इस प्रकरण में वादिनी किरण सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। अब इस मामले को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। ज्ञानवापी मामले में आज फैसला आना था और क्या कुछ रहा आज सुनवाई के दौरान, फैसले के दौरान हमारे साथ हिंदू पक्षकार संतोष सिंह जी हैं, बात करते जानते हैं। सर, क्या रहा सुनवाई में, आज फैसला आना था? आज की सुनवाई में माननीय अदालत ने स्पष्ट फैसला दिया है कि ये मुकदमा पोषणीय है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया गया है। ये हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं, आपके पक्ष में फैसला आया है? ये आज एक ऐतिहासिक जीत है। ये इसलिए ऐतिहासिक जीत है कि जो ज्ञानवापी परिसर है वो हिंदुओं को मिलने का एक बहुत बड़ा रास्ता खुलता है, क्योंकि अब इस मुकदमे की वजह से ट्रायल शुरू होगा, चीज़ें सामने आएंगी, सबूत सामने आएंगे, परत दर परत ज्ञानवापी की चीज़ें खुलती चली जाएंगी और स्पष्टता दिखाई पड़ने लगेगा कि ये मंदिर है। तो अगली तारीख इस पर सुनवाई की कब पड़ी है? 2 दिसंबर की तारीख पड़ी है। क्या रहेगा आपकी प्राथमिकता है 2 दिसंबर को सुनवाई? हमारी पहली प्राथमिकता होगी जो शिवलिंग विराजमान हैं उनके पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, और उसके बाद धीरे धीरे हर बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे अदालत से, अदालत को अपनी अर्जी देंगे जो दी भी हुई है पहले से, कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, क्योंकि यह आदि विशेश्वर का हमारे मंदिर है। और सबसे बड़ी चीज़ है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग वहाँ मौजूद है। सभी को 11 ज्योतिर्लिंग का तो दर्शन मिलता है, लेकिन 12वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिद बना दिया गया है। यह आप सभी लोग जानते हैं, पूरा इतिहास गवाह है। लेकिन ये भी सच है कि किसी के मकान को जबरदस्ती कब्जा करके घुस के अगर आपने नमाज पढ़ लिया तो मस्जिद नहीं हो जाता है। वो मंदिर आदि विशेश्वर का था, वेदों से पुराणों से पूरे साक्ष्य मौजूद हैं, इतिहास गवाह है। और आज इतिहास के साथ साथ उस ज्ञानवापी परिसर का एक एक ईंट कण कण चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं मंदिर हूँ, मंदिर हूँ, मंदिर हूँ।